स्माइले, जिसे कोई डर नहीं है हमें गोली मार के। आखिर हमने उसका क्या बिगाड़ा है जो हम जैसे को वो गोली मार रहे हैं? हमने तो कुछ बुरा किया नहीं था, और ये सब में तो मुझे कुछ पता भी नहीं था। वहां से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज में मैंने देखी कितने जन मरे थे, घायल थे। डॉक्टर ऐसे ही ऑपरेशन कर रहे, किसी को बेहोश नहीं कर रहे, और मैं डर गई, घबरा गई। वहाँ मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। वहाँ से मुझे जेजे हॉस्पिटल लेके गए। जेजे हॉस्पिटल में करीबन मैं 1.5 महीना एडमिट रही। पैर का 6 बार ऑपरेशन किया गया। जब मुझे डिस्चार्ज दिए गए, मैं मेरे राजस्थान गाँव आई, समीरपुर। मुंबई के रहने वाले से मेरे पापा को, काकू को कॉन्टेक्ट किए, बोले कि देविका के पिताजी का नंबर मिलेगा। हमने उन्होंने बोला हाँ, हमसे बात किए, हमने बोला आप दे दीजिए। हमसे कॉन्टेक्ट किए, बोले आप कोर्ट में आके बयान देने के लिए तैयार है? हमने बोला हम तैयार है। तो 10 जून 2009 को मैं और मेरे पापा, हम दोनों जाके कोर्ट में बयान दिए थे। मेरे पापा ने दोनों टेररिस्ट को देखा था। मैंने एक ही आतंकवादी अजमल अमीर कसाब को देखी थी। जब मैं 10 जून को जब कोर्ट में गई, तो मुझे सबसे पहले जज साहब का क्वेश्चन था, बेटा आप कसम का मतलब जानते हो? मैंने बोला हाँ सर, मैं सच बोलूंगी तो भगवान मेरा साथ देगा, झूठ बोलूंगी तो भगवान मुझे सजा देगा। मेरे सामने 3 टेररिस्ट को बैठाया गया था, उसमें से अजमल अमीर कसाब को पहचानना था। कसाब जो जज साहब के साइड में फर्स्ट में बैठा था, वो था आतंकवादी कसाब, जिसने मुझे गोली मारी। मेरे आंखों के सामने कई लोगों को गोली मारी। तब खुना से ऐसा आ रहा था कि मैं बैसाखी फेंक के उसे मार दूं। जब मैं बैसाखी से चलती थी, काश मेरे हाथ में बंदूक होता तो मैं उसका खून कर देती। भले बाद में पुलिस मुझे जेल के अंदर क्यों ना डाल दे, मेरे मन में तो तभी यही चल रहा था, बट मैं कुछ कर नहीं सकती थी। सिर्फ मैंने उसके खिलाफ गवाही दी, बोली यही आतंकवादी जिसकी वजह मुझे गोली लगी। कई लोग वहां पर मरे गए, घायल हुए, पुलिस ऑफिसर शहीद हुए। तब से मेरा एक ही सपना है कि मैं पढ़ लिख एक IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। कसाब दस्ते से बड़े बड़े आतंकवादी को मैं खत्म करना चाहती हूँ। उस केस में खड़े होने के बाद कई तकलीफें आई। मैं जहाँ रहती थी वहाँ प्रॉब्लम आने लगे। धमकी आई आतंकवादी की, आप एक केस से हट जाओ तो आपको मार देंगे, काट डालेंगे, आके आप सोच नहीं सकते आपके साथ क्या क्या करेंगे। हमने बोला आपको मारना है तो आके आप मार के जाइए, एड्रेस हम सेंड करते। ऑफर्स भी आया पैसे की, लालच आई, हमने नहीं हटे। हट के कोई फायदा नहीं, मैं देश के लिए खड़े और हमेशा खड़े रहूंगी। चाहे आप मुझे कितना भी पैसा दो या धमकी दो, मरना आ जाए तो कल है मुझे, तो किस बात का मुझे डर है? सभी को एक कहना चाहती हूँ, आज रास्ते पे ही कहीं कुछ हो जाता है तो हम सोचते क्यों जाके किसी की मदद करे, कौन पुलिस के मैटर में जाएगा, कौन कोर्ट कचहरी पड़ेगा, बट ये हमारी सोच गलत है। अगर आप किसी की हेल्प नहीं करोगे तो कल जाके आपकी भी हेल्प करने कोई नहीं आएगा। हम सोचते बेटी क्या कर सकती है, अरे बेटी वो कर सकती है जो बेटे नहीं कर सकते। मैं कभी दोनों में वैल्यू कम नहीं समझती, बेटे में भी जितनी हिम्मत है उतनी बेटी में भी है। हमारे राजस्थान में ही पहले बेटियों को जन्म होने नहीं देते थे, भ्रूण हत्या किया जाता था। अगर बेटी नहीं होगी तो बेटे कहाँ से आएंगे, लड़की नहीं होगी तो क्यों लड़के आएंगे? अब जिस देवी को पूछते वो भी तो एक लड़की है, तो लड़की भी की एक रिस्पेक्ट करना सीखिए। आज ये नेहा जी को ही देख लीजिए, ये भी तो एक बेटी है, इन्होंने इतना अच्छा गाना गाया है, जो बताया है। आज यही सीख हर बच्चों में होनी चाहिए, सबके मन में एक होना चाहिए कि हम देश के लिए कुछ करना चाहे, ना ही कि हम रोल मॉडल हमारे हीरो को चुने। आज हीरो के जैसे हम बनेंगे तो कोई फायदा नहीं। अगर बनना है तो ऑफिसर जैसे बनिए, आर्मी ऑफिसर बनिए जो हमारे देश की रक्षा करते। वो तो हमारे लिए दिवाली नहीं बनाते, कोई त्यौहार नहीं बनाते, बॉर्डर पे खड़े होकर रक्षा करते। आज वही शहीद हो जाते, हम में से कौन जाके उसके घर में पूछते हैं कि आप कैसे हो? अरे उनकी तो मुझे ही गोली लगने के बाद 10 साल में कोई आके पूछने नहीं आया कि बेटा आप कैसे हो? ये बड़े बड़े नेता वगैरह सिर्फ बोलने के लिए आते, कोई काम नहीं आते, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती है। वोट चाहिए रहता है तो बेटा हम आपके साथ देंगे, वोट नहीं चाहिए रहता है कौन देवी का कौन किसका घर कोई नहीं देखता है, सिर्फ बोला जाता है, करता कोई नहीं है। मोदी सर का है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज तक कौन निभाया है? बहुत जनों ने तो सुधर गए, आज भी कई लोग हैं जो बेटी को बचाते नहीं है, बेटी को पढ़ने नहीं देते, बेटी को 4 घर के अंदर भर के रखते। तो इसका मतलब क्या है? जब दो अपनी सोच बदलेगी जब तो जाके देश बदलेगा, उसके पहले तो कुछ नहीं होता है। हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। मेन तो आप पेरेंट्स को अपने बच्चों में एक शिक्षा डालनी चाहिए कि वो देश के लिए कुछ करिए, और चाहे वो बेटी हो या बेटा, कोई भी कुछ भी करके दिखा सकता है। हम ये ना सोचे कि लड़की है, लड़की 10 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकती, या हमने उसके मन में डाल के रखा है अरे तुम तो डर के जियो तो आगे हमेशा डर के रहोगी। आप उसके मन से डर निकाल दो तो देखो वो क्या नहीं करके दिखा सकती। आजादी दीजिए बट लिमिट तक दीजिए। मैं नहीं बोलती कि आप हद से ज्यादा दीजिए, बट आप उनकी कोई इच्छा ही पूरी ना होने दो। स्टडी नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो तो पाबंदी होती है, तो ये ना लगाने चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया गया। थैंक यू सो मच।